सिरोही जिले में एक चिकित्सक अपने घर पे ही ऑपरेशन थिएटर चला रहे हैं। यह मजबूरी है या चांदी कूटने की जुगत, फिलहाल इस बारे में कोई टिप्पणी करना समीचीन नहीं है। लेकिन सिरोही में जहां मुख्यमंत्री के सलाहकार विधायक हैं और मेडिकल कॉलेज जैसी संकल्पना लेके आए हैं, वहां चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं को लेके विस्तार की बात कह रहे हैं। सिरोही का अधिकांश हिस्सा चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पड़ोसी राज्य गुजरात पर निर्भर है। ऐसे में इस चिकित्सक द्वारा घर में जो ये ऑपरेशन थिएटर चलाया जा रहा है, इसमें एनेस्थेटिक की व्यवस्था कैसे होती है, यहाँ पे इसको रोगाणु रहित करने के क्या उपाय किए जाते हैं, सेफ्टी मेजर्स का कितना ध्यान रखा जाता है, इस पे कुछ भी जानकारी अभी नहीं है। लेकिन अस्पताल प्रशासन के चिकित्सकों का कहना है कि इस तरह से आप घर पे ऑपरेशन थिएटर नहीं चला सकते और आप देख सकते हैं कि घर पे ही यह इस तरह के ऑपरेशंस किए जाते हैं, यह मरीजों की जान को खतरा है या नहीं। तो सर मैं एक ऑर्थोपेडिशियन रूप में एज ए ऑर्थोपेडिशियन सर्जन हूँ, तो कुछ तो सीख ही रखा है कि कैसे करने बड़े ऑपरेशन को जहाँ प्राइवेट में जाते हैं उसको कैसे करके लोगों का खर्चा कम कर सकें, वो कैसे करना है। एक ही तरीका है कि एक ऑर्थोपेडिशियन एक सर्जन अपने घर पर अपने क्लिनिक प्रैक्टिस पर छोटे से जाइलो के इंजेक्शन के थ्रू से आसपास के एरिया सुन करके उस ऑपरेशन को कर सकता है। जहाँ ऑपरेशन प्राइवेट में 25-30 हज़ार का हो रहा है, वो एक ऑर्थोपेडिशियन अगर उसके मन की इच्छा है अपने घर पर 5-6 हज़ार में जो भी रॉड प्लेट का खर्चा आता है वो लेकर कर सकता है। अगर उसकी इच्छा है कि नहीं यार मुझे किसी गरीब को कहीं प्राइवेट भेजना नहीं है, मुझे किसी है ना रेफर नहीं करना है, अगर पेशेंट खुद बोले कि नहीं सर मुझे नहीं रुकना कहीं पर भी, आप अब यहीं कर लो, तो आप आसपास के एरिया सुन करके जाइलो के इनसे उस ऑपरेशन को कर सकते हैं। और उसका जो बड़ा खर्चा है 25-30 हज़ार का, 4-5 हज़ार में 6 हज़ार 10 हज़ार हाइएस्ट, वो 30 हज़ार का खर्चा एकदम नीचे ला कर देख सकते हैं। और एक हर एक गरीब के पास में एट द टाइम जब भी कोई ऑपरेशन का होता है तो इतने रुपये तो होते नहीं हैं। एक सर्जन एक ऑर्थोपेडिशियन अगर चाहे तो कर सकता है, मगर ये है उसका मनोबल कितना तेज है, वो कितना कर सकता है लोगों के हित में। उसका मन की इच्छा है कि नहीं हाँ मैं कर सकता हूँ तो करो, और मुझे लगता है ये करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोगों के पैसे खर्च करें, प्राइवेट में भर्ती करें, वो दवाई के खर्चा, ये इन्वेस्टिगेशन फलाना ढीकना, इतना बड़ा करने से मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, आप कम से कम रुपए में उसका ऑपरेशन करो और उसको चलाओ और उसको रोजी रोटी के लिए तैयार करो। कितने ऑपरेशन किया तक आपने? घर पर ना जहाँ तक तो मैं जानता हूँ कि मेरे पास में प्राइवेट हॉस्पिटल से पर्ची लेके आते हैं कि सर वहाँ पर इतने 25 हज़ार बोल दिए, 30 हज़ार बोल दिए, मेरे पास कुछ है नहीं, तो मेरे पास एक जाइलोकिन इंजेक्शन मैं कर सकता हूँ घर पर, अगर वो बोलता है तो। अब बिना इच्छा बिना मर्जी के मैं नहीं कर सकता, उसको थोड़ा दर्द होता है, 4, 5, 10 जितने भी है मैंने अभी किए हैं जहाँ तो यहाँ हूँ मैं, कितने ऑपरेशन किए आपने अभी तक? 10 के आसपास तो कर लूंगा सर। घर पे पूरा ऑपरेशन थिएटर बना हुआ? नहीं, पूरा ऑपरेशन थिएटर नहीं है, आसपास का एरिया सुन करते हैं, सिंपल टेबल होती है, आसपास का इंजेक्शन और एरिया सुन कर दो, रॉड प्लेट जो लगती है बाहर से खरीद लो आप, कोई भी जो भी फर्म देती है आपको कि नहीं यार इस रॉड का इतने रुपए लगते हैं सर, आपके 4 हज़ार लग रहे हैं तो 4 हज़ार में ऑपरेशन करके छोड़ दो उसको। सिस्टम कितना आपके घर पे? 2-3 हाईएस्ट 3 है। घर पे ऑपरेशन थिएटर नहीं चला सकते हैं, उसके लिए अगर कोई किसी भी व्यक्ति की कोई भी शिकायत आई तो उसकी जांच कराएंगे, उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट कराएंगे। ये अस्पताल में काम करते हुए घर पे ऑपरेशन थिएटर चलाना वाजिब नहीं है। ये खबर हमारे लिए भेजी है सिरोही से गणपत सिंह मांडोली ने।